गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सिविक्स चैप्टर नंबर 5, वीमेन चेंज द वर्ल्ड। टॉपिक्स टू बी कवर्ड आर इंट्रोडक्शन, स्कूल एंड एजुकेशन टुडे, एनुअल ड्रॉप आउट रेट 2013 एंड 14, रीजंस फॉर ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन। इंडिया हैज अ सेंसस एवरी 10 ईयर्स व्हिच काउंट्स द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। देखिए, इंडिया में हर 10 ईयर्स के बाद क्या होती है, सेंसस होती है, मतलब जनगणना होती है, जिससे जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे कंट्री की जितनी पॉपुलेशन है उसको काउंट करते हैं। अब इससे क्या है, हमें और कई इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट एज, लोगों की एज का, स्कूलिंग और व्हाट वर्क दे डू, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उससे। और दिस इंफॉर्मेशन इज यूज टू मेजर थिंग्स लाइक लिटरेसी, सेक्स रेशियो एक्सेट्रा। और ये इंफॉर्मेशन जो है हमें, हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, टू मेजर लिटरेसी रेट, मतलब पढ़े लिखे लोग कितने हैं, सेक्स रेशियो कितनी है, बॉयज और गर्ल्स जो है उनकी जो मतलब कितने बॉयज पे कितनी गर्ल्स हैं, तो ये हमें पता चलता है। अ ह्यूज नंबर ऑफ एससी एंड एसटी चिल्ड्रन लीव स्कूल एट एन अर्ली एज। देखिए, कई जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के चिल्ड्रन हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही अर्ली एज में, बहुत कम एज में स्कूल छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं। और इसका क्यों, क्या रीजन है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ रहे हैं। स्कूलिंग एंड एजुकेशन टूडे। बॉयज एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल, ठीक है, दोनों बॉयज और गर्ल्स जो है वो स्कूल अटेंड करते हैं, बट देयर इज स्टिल डिफरेंसेस, ठीक है। और ये डिफरेंसेस क्या है, हमने सेंसस से पढ़ लिए हैं, 1961 के सेंसस और 2011 के सेंसस हमने लिए हैं, ठीक है। इन 1961 लिटरेसी रेट 40% बॉयज एंड मैन, मतलब बॉयज और जो मैन है, मेल है, उसमें कितना है लिटरेसी रेट, 40% है। और जबकि हम कंपेयर करें गर्ल्स या वीमेन में, वो सिर्फ 15% है, मतलब सिर्फ 15% गर्ल्स जो हैं वो पढ़ी लिखी हैं उस टाइम पे 1961 में। यही जब हम 2011 का लें तो लिटरेसी रेट बॉयज और मैन में कितना है, 82%, और गर्ल्स का कितना हो गया, 65%, ठीक है। तो मतलब हम लोगों ने 1961 और 2011 के सेंसस को कंपेयर कर लिया, अब एनालाइज क्या निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं, द परसेंटेज ऑफ द मेल ग्रुप इज स्टिल हायर देन द फीमेल ग्रुप, ठीक है। मतलब जो मेल ग्रुप में परसेंटेज है लिटरेसी रेट का, वो अभी भी हायर है देन फीमेल ग्रुप, जहां पे बॉयज का 40% से 82% हो गया, गर्ल्स का 15% से 65% हो गया, लेकिन जो गैप है 40% और 15% का 2011 में, 82% से 65% का, द गैप हैज नॉट गॉन अवे, अभी भी गैप जो है वो गया नहीं है, गैप अभी भी बहुत है। अब देखिए, एवरेज एनुअल ड्रॉप आउट रेट इन स्कूल एजुकेशन 2013 एंड 14, ये जो टेबल आपको दिया गया है, ये क्या आपको शो कर रहा है कि एनुअल ड्रॉप आउट रेट, कितने बच्चे जो हैं वो स्कूल छोड़ रहे हैं, 2013 और 14 का आपको दिया हुआ है। इसमें आपको ऑल बॉयज, मतलब सारी कैटेगरीज का है, फिर एस सी है, शेड्यूल कास्ट का है, एस टी शेड्यूल ट्राइब के बॉयज का दिया, इसी तरह गर्ल्स का भी दिया हुआ है। अगर हम कंपेयर करें बॉयज का, ऑल बॉयज जो हैं वो क्या है, प्राइमरी में 1 to 5 4.53% जो हैं बॉयज जो हैं वो ड्रॉप आउट कर रहे हैं, एस सी बॉयज जो हैं वो 4.42% है, एस टी जो है वो बॉयज जो है वो 7.97 है। और इसी तरह अपर में देखिए, बॉयज में ये वो 3.9 है, और शेड्यूल बॉयज जो है वो 3.75, एसटी बॉयज 8.3। अब इसी तरह गर्ल्स में देखिए, जो एससी गर्ल्स हैं उनका 3.85 है, एसटी 7.98 है। इसी तरह अगर हम अपर प्राइमरी देखें तो उसमें एससी गर्ल्स जो है वो 5.4 है, और एसटी गर्ल्स जो है वो 8.85 है। मतलब अगर हम कंपेयर करें बॉयज और गर्ल्स का, तो अब यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स जो बॉयज हैं उनका ड्रॉप आउट है, वो लोग निकल रहे हैं, लेकिन गर्ल्स जो है वो उनसे ज्यादा हाइयर है ड्रॉप आउट रेट गर्ल्स का, ठीक है। अब शेड्यूल कास्ट जो है, इट इज द ऑफिशियल टर्म फॉर दलित, दलितों के लिए जो हम ऑफिशियल टर्म यूज करते हैं वो है एस सी या शेड्यूल कास्ट, और जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए जो हम ऑफिशियल टर्म यूज करते हैं वो क्या है, शेड्यूल ट्राइब्स या एस टी। अब एनालाइज हमने जो है उस टेबल को देख के क्या निकाला, दिस मीन्स दैट गर्ल्स हु आर फ्रॉम दलित यानी एस सी एंड आदिवासी एस टी
बैकग्राउंड आर लेस लाइकली टू रिमेन इन स्कूल, मतलब क्या है, जो एससी और एसटी बैकग्राउंड की लड़कियां जो हैं वो क्या हो रही हैं, जल्दी निकल रही हैं स्कूल से, उनका ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है। और अगर हम एससी एसटी को कंपेयर करें मुस्लिम गर्ल्स से, तो मुस्लिम गर्ल्स का रेट उनसे भी ज्यादा है ड्रॉप आउट रेट, वो ज्यादा जल्दी निकलती हैं। अगर हम ये चीज मान के चले कि मुस्लिम गर्ल्स इन स्कूल फॉर 3 ईयर्स एंड अदर फॉर 4 ईयर्स, मतलब क्या है, जो एक मुस्लिम गर्ल है वो क्या है, स्कूल में कितने टाइम के लिए रह रही है, 3 ईयर्स के लिए रहती है। और गर्ल्स फ्रॉम अदर कम्युनिटी स्पेंड अराउंड 4 ईयर्स इन स्कूल, और दूसरी कम्युनिटीज की जो गर्ल्स हैं वो कितने ईयर्स स्पेंड कर रही हैं, 4 ईयर्स। अब इसका रीजन क्या है, इन रूरल एंड पुअर एरियाज देयर मे नॉट इवन बी प्रॉपर स्कूल एंड टीचर, ठीक है, जो रूरल एरिया है और रूरल में भी जो पुअर एरियाज हैं वहाँ पे क्या है, प्रॉपर स्कूल नहीं है, टीचर्स नहीं है, नॉट क्लोज टू पीपल्स होम, ठीक है, जो स्कूल है वो लोगों के घरों के पास नहीं है, दूर है, ठीक है। अभी तो आपको दिखता है कि हर जगह आपको स्कूल खुला मिल रहा है, लेकिन कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पे अभी भी स्कूल जो है वो बहुत दूर है, इसीलिए पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को नहीं भेजते। लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, वहां पर कोई बसेस नहीं है, वैंस नहीं है, ठीक है, ताकि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को भेज सके, तो दूर पड़ जाता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, इसीलिए बच्चों को वो लोग स्कूल नहीं भेज रहे। फैमिली कांट बियर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, देखिए कई फैमिलीज हैं, मैनी फैमिलीज आर टू पुअर, कई फैमिलीज जो है वो बहुत पुअर है, जो कि क्या है, अपने जो चिल्ड्रन है उनकी एजुकेशन जो है उसका खर्चा जो है वो नहीं उठा सकते, ठीक है, इसीलिए वो नहीं भेज रहे। और अगर कुछ थोड़ा बहुत उठा सकते हैं तो उसमें किसको प्रेफरेंस मिलती है, बॉयज में गेट प्रेफरेंस इन दिस सिचुएशन, ठीक है, बॉयज को प्रेफरेंस मिलती है। अगर सिर्फ एक को पढ़ाना होना होता है तो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि चलो गर्ल्स ने क्या करना है, गर्ल्स ने तो घर में बैठना है या शादी करके कहीं और चले जाना है, बॉयज ने तो घर पे रहना है, तो वो बॉयज को प्रेफरेंस देते हैं कि यार ये पढ़े, ये पढ़ेगा, लिखेगा, आगे कमाएगा और हमें लाके देगा, ठीक है, इसलिए बॉयज को प्रेफरेंस मिल जाती है। चिल्ड्रन लीव स्कूल एज दे आर डिस्क्रिमिनेटेड, देखिए कई चिल्ड्रन क्यों स्कूल छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता था स्कूल में, ठीक है, किया जाता है, लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे, इसीलिए उनके साथ, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमने पढ़ा था उसमें, उनके साथ भी क्या था, स्कूल में काफी डिस्क्रिमिनेट किया गया था, इसी तरह ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था स्कूल में। लेकिन कई जो होते हैं वो इसकी वजह से स्कूल छोड़ देते हैं, पर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको सहन करके भी वो पढ़ाई करते हैं और फिर आगे जाके वो कामयाब होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने किस किस का देखा, ओम प्रकाश वाल्मीकि और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। स्टूडेंट दिस इज योर होमवर्क, रीड पेज नंबर 61, 62 and 63 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड ट्राई टू सॉल्व वर्कशीट 117 ऑफ योर पुल आउट वर्कशीट। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।